हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। रिलेशन एंड फंक्शंस सेकंड चैप्टर, इसका हमने रिलेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक फंक्शन। फंक्शन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल से देखिए, सबसे पहले इसको हम बाद में करेंगे। रिलेशन क्या था आपके पास? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, हमने मान लिया सेट ए इज 1, 2 एंड सेट बी इज 4 एंड 5। रिलेशन हम लेके चल रहे हैं, रिलेशन इज लेस देन। ठीक है, रिलेशन हम निकाल रहे हैं ए टू बी। ठीक है, तो आर हमारा क्या बनेगा यहाँ से? रिलेशन हमने लिया इज लेस देन, मीन्स ए के नंबर का और बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जहाँ पे ए का नंबर हमारे पास छोटा होना चाहिए 4 से। तो यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एंड और क्या कंडीशन है? लेस देन, एक्स लेस देन वाई होना चाहिए। बनाइए रिलेशन। रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? 1, 4 से लेस है तो एक पेयर तो ये बन जाएगा 1, 4, 1, 5 से भी लेस है 1, 5, 2, 4 से लेस है 2, 4 एंड 2, 5। ये है आपके पास रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हम इसको फंक्शन कैसे बनाते हैं? वैसे तो फंक्शन जो होता है आपके पास वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। स्पेशल कैसे बनता है? देखिए, रिलेशन हमने बनाया, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। बट जब हम इसका फंक्शन लेके चलेंगे, अगर मैं इसको फंक्शन बोलूँ, फंक्शन, इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास सिर्फ एक ही टाइम आना चाहिए, तब आपके पास जो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, मान लिया कि जैसे अगर मैं फंक्शन के लिए लेके चलूँ हमारे पास 1, 4, 2, 5, अगर ये रिलेशन गिवन होता तो इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एक ही बार यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के नंबर हैं, अगर हम फंक्शन बना रहे हैं ए टू बी, तो जो सेट ए के नंबर हैं वो यूनिक इसके साथ सेट बी के एलिमेंट साथ एसोसिएट होंगे। यूनिकली एसोसिएट का मतलब 1, 4 के साथ होगा, 1, 5 से एसोसिएट नहीं हो सकता। समझ गए? तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होता हो। अब इसको आप फंक्शन नहीं बोल सकते, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है 1 एंड 1। फंक्शन कब बनेगा? जब ये एक ही बार आएगा 1, 4, देन 1, 5 नहीं आना चाहिए, 2, 5। 2, 4 आ सकता है अगर हम इसमें हम ये लें, नहीं 2, 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 फिर से वही मिल जाएगी आपके पास, 2 फिर से वही आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आपके पास फंक्शन बनाना है तो फर्स्ट कंपोनेंट का हमें ध्यान रखना होता है। रिलेशन का फंक्शन जब भी बनाते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 टाइम ही यूज होना चाहिए। अब देखिए डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की। फंक्शन एक्स और वाई आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। यानी कि जो हम फंक्शन एफ, मान लिया हमने फंक्शन एफ लिया, दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक्स एलिमेंट है आपके पास एक्स सेट का और वाई एलिमेंट है वाई सेट का, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। क्योंकि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है x क्रॉस y, उसमें ऑर्डर्ड पेयर के नंबर आते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट x का और एक एलिमेंट y का, अगर f इसमें कंटेन करता है तो x y बिलोंग्स टू f। आगे देखिए, ए सबसेट दिस इज f, इस f को सबसेट किसका हुआ? x क्रॉस y। इस f को हम फंक्शन बुक कहेंगे, इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। कब बोला जाएगा फंक्शन? इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। ध्यान से देखना है कि हम जब ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बनेगा, तो अगर मान लो कि हमारे पास ये सेट एक्स है
और ये सेट है वाई, ठीक है। वन टू थ्री ए बी सी डी भी ले लेते हैं। हमने कहा कि इसका जो नंबर होगा एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब एक्स वाई के साथ एसोसिएट है बट जो वाई है वो यूनिक होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स जिसके साथ एसोसिएट होगा वो एक्स किसी और के साथ एसोसिएट नहीं होगा इन सेट ऑफ वाई। मान लिया हमने, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू वन ले लेते हैं। हमने कहा कि एक्स एक्स का नंबर है, ठीक है, वन हमारा एक्स का नंबर है, ओके। फिर हमने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए वाई बिलोंग्स टू y, यानी कि हम कोई भी y सेट का एलिमेंट जो होगा वो यूनिक एक्सप्रेस होगा। यूनिक का मतलब ये होता है कि अगर 1 a के साथ एसोसिएट है तो 1 b के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, समझ गए। 1 a के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, y के किसी दूसरे नंबर के साथ 1 एसोसिएट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है यूनिक जो आपके पास है वो एसोसिएशन हो जाएगी, समझ गए। तो जो फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि एक्स के जो नंबर होंगे वो यूनिकली एसोसिएट होंगे विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। देन हम इसको बोलेंगे कि हमारे जो एफ होगा, दिस इज एफ इज ए फंक्शन, और हम इसको कैसे बताते हैं, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि ये सेट हमारा एक्स है, ये सेट हमारा वाई है और फंक्शन चल रहा है एक्स टू वाई। देन टू बी के साथ एसोसिएट कर दें, थ्री सी के साथ एसोसिएट कर दें, तो ये आपके पास फंक्शन बन जाता है, क्लियर। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक्स के जो नंबर होंगे वो यूनिकली एसोसिएट होंगे, यानी इसका जो नंबर है वो इससे एक ही बार कनेक्ट होगा, ये नंबर दोबारा किसी नंबर से कनेक्ट नहीं हो सकता। ये एक रूल बन जाता है, क्योंकि वैसे तो देखो रिलेशन का ही फंक्शन होता है, बट रिलेशन में हमने एक स्पेशल रूल बना दिया कि एक नंबर वाई के साथ एसोसिएट हो गया वो दूसरे किसी नंबर के साथ एसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज एंड प्री इमेज क्या होते हैं। हम फंक्शन ले रहे हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन की है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन एक्स का नंबर वाई के नंबर के साथ यूनिकली एसोसिएट होता है, ठीक है। यूनिकली एसोसिएट, अगर यहाँ पे जेड है तो ये इससे कनेक्ट नहीं होगा, एक्स एक ही नंबर से कनेक्ट होगा तो आपके पास यूनिकली एक्सप्रेस आ जाता है। यही फंक्शन की डेफिनेशन होती है, और ये समझ में आ जाएगी तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। हमने लिया एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ फंक्शन, इन दोनों को जो है वो एसोसिएट हो रखा है एक्स अगर वाई के साथ। तो अब इसमें इमेज और प्री इमेज क्या होती है। जो आपके पास वाई सेट का नंबर होगा उसको हम बोलते हैं इमेज। किसकी इमेज? एक्स नंबर की इमेज। देखिए एक्स किससे कनेक्ट है? वाई के साथ। तो ये बन गया आपके पास इमेज ऑफ एक्स। वाई को बोलोगे इमेज ऑफ, किसकी इमेज है? एक्स एलिमेंट की, और एक्स किसका एलिमेंट है? सेट एक्स का, ठीक है। अब उल्टा देखें, वाई किससे कनेक्ट है? अगर हम रिवर्स देखें तो वाई किससे कनेक्ट हो रहा है? एक्स से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स को हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी? द यूनिक एलिमेंट। यूनिक क्यों लिखते हैं? यूनिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि फंक्शन जब बनाते हैं तो वो यूनिक एसोसिएशन होने चाहिए। द यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जो एक्स सेट का एलिमेंट होता है उसकी इमेज होती है वाई सेट के नंबर, ठीक है। और प्री इमेज किसको बोलेंगे? एक्स को। किसकी प्री इमेज? वाई की प्री इमेज, ठीक है। एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई। ये जो एक्स होगा उसको हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ वाई, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, y, 1, 2, 3, a, b, c, d, e।
जब भी हमें फंक्शन बनाना होता है, हम अगर वाई एरो डायग्राम देख रहे हो तो हमारे पास ऐसे चलता है, हमने कहा कि ये एक्स का नंबर वाई के एक ही नंबर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा नंबर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं प्री इमेज, और जो वाई सेट के नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं इमेज। इमेज किसकी? इन नंबर्स की। ये नंबर प्री इमेज किसके? इन नंबर्स के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए इज प्री इमेज ऑफ वन, ए जो हम वन की प्री इमेज है क्योंकि हमने वापस देखा है। अगर हम वन को कहें वन इज इमेज ऑफ ए, ठीक है। अब हमने कहा था कि एक एक्स के जो नंबर हैं वो यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए। यूनिकली देखिए यहाँ पे रिलेशन बनाइए, रिलेशन क्या बनेगा, कौन किससे अटैच हो रहा है? वन ए के साथ एसोसिएट है, ए वन बी वन, बी वन देन सी थ्री, ये हमारा रिलेशन है। इसी को अगर हम फंक्शन में देखें, क्या ये फंक्शन बन सकते हैं? फंक्शन बनेगा। हमने क्या कहा था, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट आपके पास जो कंपोनेंट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हमने सेकंड का नहीं कहा, हमने सेकंड रिपीट हो सकता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा फंक्शन बन सकता है। तो ये आपका फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हर एक नंबर की प्री इमेज इमेज यूनिक होगी तो वो आपके पास फंक्शन रहेगा। बट एक जो आपके पास नंबर है वाई के जो नंबर हैं उनके पास एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है, जैसे वन के पास दो प्री इमेज है ए एंड बी, ठीक है। चलिए देखें डोमेन एंड रेंज क्या होता है। डोमेन एंड रेंज हमने रिलेशन में पढ़ा था, डोमेन और रेंज। फर्स्ट कंपोनेंट को हम डोमेन बोलते हैं और सेकंड कंपोनेंट को इमेज बोलते हैं। जो एक्स सेट होता है इसको बोलेंगे हम डोमेन, और जो सेट वाई होता है ये होता है कोडोमेन, ठीक है। देन बात आती है रेंज की। डोमेन हमने कहा डोमेन होता है हमारा सेट एक्स, कोडोमेन क्या होता है कंप्लीट सेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इन वाई, ये वाई इक्वल ले लीजिए वाई सेट, ठीक है। फिर हमने कहा कि इमेज जो आपके पास ये जो कनेक्ट हो रखे हैं रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज वो सेट बनेगा जो कि एक्स के नंबर्स के साथ कनेक्ट हो रखे होंगे। तो इसमें रेंज भी क्या आ जाएगा, वन एंड थ्री। टू हमारे पास रेंज में नहीं आएगा क्योंकि रेंज जो है वो टू किसी भी नंबर के साथ एसोसिएट नहीं है। तो ये हमारा रेंज होता है, कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट वाई, डोमेन होता है सेट एक्स। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, जब भी हमें फंक्शन बनाना होता है तो एक्स का कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर, मान लीजिए मैं यहाँ पे डी ले लेती हूँ और डी हमारे पास किसी से भी कनेक्ट नहीं है तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। हर एक नंबर की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब हर एक नंबर जो है वो यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए विद द एलिमेंट ऑफ सेट वाई। तो फंक्शन बनने के लिए सारे कनेक्ट होने चाहिए वेरिएबल। अगर हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन एक्स टू वाई, एक्स टू वाई ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन इज एक्स एंड को डोमेन इज वाई, सेट वाई है। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा, जो एक्स सेट का एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, एंड वाई बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं फंक्शन के। हमें बताना है कि सेट एक्स दे रखा है, सेट वाई दे रखा है, फर्स्ट एफ गिवन है आपके पास, क्या ये फंक्शन है? आपको ये बताना है यहाँ से, एक्स सेट आपके पास गिवन है, एक्स इज वन टू थ्री फोर, और वाई सेट गिवन है ज़ीरो वन टू थ्री फाइव सेवन एंड नाइन।
फर्स्ट कहता है कि 1 1 2 0 3 7 4 9, क्या ये फंक्शन बनेगा? 1 1 2 0 3 7 के साथ, 4 9 के साथ. अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट हम चेक करते हैं, क्या फर्स्ट कंपोनेंट हमारा रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा. सेकंड हम क्या चेक करते हैं, कोई एलिमेंट एक्स का ऐसा तो नहीं रह गया जो किसी के साथ कनेक्ट ना हो. मीन्स हर एक एलिमेंट जो आपके पास एलिमेंट है एक्स के, वो एसोसिएट होने चाहिए यूनिकली एलिमेंट ऑफ सेट वाई के साथ. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन बनेगा, बिकॉज एवरी ऑर्डर पेयर हैज़ द यूनिक इमेज. तो जैसे 1 2 3 4 और आर डिफरेंट, देन दिस इज अ फंक्शन. सेकेंड देखते हैं, 1 1 2 2 3 7 4 9, 1 2 3 4, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर इंक्लूड एंड डिफरेंट है सारे के सारे. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन. नेक्स्ट इज 1 1 2 0 4 5, 1 1 1 1 के साथ कनेक्ट है, 2 0 के साथ, 4 5 के साथ. जैसे 1 1 के साथ कनेक्ट है, 2 0 के साथ, और 4 5 के साथ. क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? वैसे देखा जाए तो 1 की 1 के साथ, 2 भी 0 के साथ, जो अलग अलग इमेज है सबके पास, बट 3 ऐसा नंबर रह गया जो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी हमारा फंक्शन नहीं बनेगा. दो कंडीशन फंक्शन की आपको ध्यान रखनी है. क्या चीज़? एक तो ये कोई भी आपके पास खाली नहीं रहना चाहिए, ये जो है एसोसिएट होना चाहिए, इसके भी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, और दूसरी जो इमेज है आपके पास वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि जो कनेक्शन है एलिमेंट्स का वो यूनिक कनेक्शन होना चाहिए. फोर्थ, ये आपके पास फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन. फोर्थ, 1 1 1 0 2 3 3 5 4 7. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट हम चेक करते हैं, 1 1 3 4, 1 और 1 1 1, ये ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस. अगर हम इन दो ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट इज सेम इन बोथ ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन. अगर एक भी, दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया, तो हमारा फंक्शन नहीं बनेगा. तो फंक्शन के लिए यूनिक इमेज एंड हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट. ग्राफ से देखते हैं कुछ एग्जांपल, क्या ये फंक्शन बन रहे हैं. फर्स्ट इज पी ए के साथ कनेक्ट है, क्यू सी आर बी के साथ. एक्स के एलिमेंट्स को चेक करते हैं, सबकी आपके पास जो वो कनेक्शन है, यानी कि सबकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है. फिर हम ये चेक करेंगे, क्या कोई एक्स का नंबर दो एलिमेंट के साथ तो कनेक्ट नहीं है? पी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, क्यू सी के साथ एक ही बार कनेक्ट है, आर बी के साथ आर की भी एक ही इमेज है, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा. फंक्शन, ये आपका फंक्शन हो गया. सेकंड की बात करते हैं, पी की इमेज डी, इम्पोर्टेंट है ये एग्जांपल. अगर हम यहाँ से देखें तो पी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? डी के साथ. तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख के देख लीजिए, कि क्यू बी के साथ कनेक्ट है, क्यू बी आर सी के साथ कनेक्ट है, एंड एस डी के साथ कनेक्ट है. अब देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आर डिफरेंट, आर एस क्यू पी सारे डिफरेंट हैं. सेकंड हम चेक करते हैं कि एक्स का कोई नंबर ऐसा तो नहीं रह गया जिसके पास इमेज ना हो, यानी कि कोई खाली तो नहीं रह गया विदाउट कनेक्शन, तो सारे के सारे कनेक्ट हैं. फिर हम देखते हैं यहाँ से जो आपके पास डी है, पी डी के साथ कनेक्ट है, एस डी के साथ कनेक्ट है, ये फंक्शन बन सकता है. हमने पहले भी बताया था कि दो एक एलिमेंट की दो प्री इमेज एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट एक एक्स के एलिमेंट की दो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है, और इस वाई सेट में जो आपके पास विदाउट कनेक्शन यानी कि खाली रह सकता है, यहाँ पे जैसे ई हमारे पास इसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये आपके पास, क्योंकि पूरा जो आपके पास सेट है वो तो हो गया कोडोमेन, और ए भी आपके पास कोडोमेन में, बी सी डी ये क्या हो जाएगा, रेंज. इसको हम बोलते हैं रेंज, जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो हमारे रेंज में आते हैं, और कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन. तो ये आपके पास फंक्शन बन गया, दिस इज अ फंक्शन. नेक्स्ट इज पी
बी के साथ कनेक्ट है और पी डी के भी साथ कनेक्ट है, यहीं से फंक्शन नहीं बना, क्योंकि पी ए की एलिमेंट की दो दो इमेज आ रही हैं। ठीक है, इसको आप अगर याद रखना है तो एक ट्रिक होती है, जैसे कि हम बहुत सारे काम जो हम ये सोचते हैं कि हम राइट हैंड से ही करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड को ऐसे रखती हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड को ऐसे रखा तो यहाँ से जो आपके पास कैसे बना डायग्राम, दिस लेफ्ट हैंड को अगर मैं दो उंगलियाँ लेती हूँ तो ऐसे बनता है। दैट मीन्स अगर मैं देखूँ पी और बी, पी और डी के साथ, तो हमारा ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करती हूँ, अगर मैं राइट हैंड को लिखती हूँ ऐसे रखती हूँ, तो राइट हैंड पे आपके पास ये डायग्राम बन रहा है, ये राइट हैंड का डायग्राम बन रहा है, तो ये आपके पास फंक्शन बनेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। एंड पी के पास दो इमेज आ रही है, इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज पी सी क्यू बी आर ई के साथ, बट एस की कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं बनता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन को किस किस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आप सेट से करते आ रहे हो, सेट में भी किया हमने, रिलेशन में भी किया है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक्स सेट हमने ले लिया 1 2 3, वाई सेट ले लेते हैं 3 4, ठीक है। और अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं फंक्शन को सेट की फॉर्म में। जैसे मान लो हमने जो फंक्शन है वो लिया, लेस देन ले लेते हैं, फंक्शन हमने बनाया 1 कि इसके एक्स के नंबर जो है वो वाई से छोटे होने चाहिए, इज अ लेस देन, रिलेशन दोनों का हमने ले लिया इज लेस देन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 3 से लेस, ये इससे कनेक्ट हो गया। हम फंक्शन बना रहे हैं, रिलेशन ये चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे तो 1 4 से भी लेस है, बट यहाँ पे हम 1 4 नहीं ले सकते। अगर आप 1 4 ले लेते हैं तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट इज रिपीटेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 4 नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर की बारी आती है 2 3 से लेस है, या फिर 3 हम लिख सकते हैं 3 4 से लेस, तो ये आपके पास फंक्शन बन गया 1 2 3, हर एक एलिमेंट आपके पास कनेक्ट हो रहा है और सबकी जो आपके पास यूनिक इमेज है 1 3, ये सेकेंड नंबर रिपीट कर सकते हो, बट फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज़ करते हैं एंड सेट बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे आप सेट में करते आ रहे हो, वही यहाँ पे बिल्डर फॉर्म होता है। इसमें आप कैसे लिखते हो, फंक्शन एक्स वाई, इस टाइप के इसमें नंबर जो आपके पास यूज होंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई किसका नंबर होता है, वाई का, और रिलेशन क्या दिखाते हैं कि एक्स लेस देन वाई होगा, ठीक है। बाय फॉर्मूला दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिख दें कि y इक्वल टू 2x+1, तो x की वैल्यूज हम बता देंगे कि x हमारा बिलोंग करेगा x सेट में और y बिलोंग करेगा y सेट से, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y के निकालते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज y एरो डायग्राम, एरो डायग्राम जैसे अभी हम करते आ रहे हैं, दिस इज सेट x, दिस इज सेट y, सेट x 1 2 3 एंड 3 4, अगर हमें इसी का रिलेशन फंक्शन बनाना हो तो 1 3 के साथ कनेक्ट है, 2 इज ऑल्सो कनेक्ट टू 3 एंड 3 कनेक्ट 4, तो ये आपके पास बन जाएगा बाय एरो डायग्राम। बाय ग्राफ कैसे बताते हैं, हमारे पास ग्राफ गिवन होंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है इन ग्राफ, वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, अगर हम इसके पैरेलल कोई वर्टिकल लाइन लगाते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करती है उससे हम बताएंगे। अब देखिए 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। सेम टू सेम अगर हम इसमें चेक करते हैं तो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये ग्राफ को एक टाइम कट कर रही है, ठीक है। अगर आप दूसरी लाइन लेते हो वो दूसरे पॉइंट पे कट करेगी, समझ गए। तो एक 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 लाइन उसी ग्राफ को एक टाइम कट करती है तो वो फंक्शन बनता है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ पैराबोला को, देखिए यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन बनेगा क्योंकि एक लाइन ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा, ओके। तो ग्राफ में हम कैसे चेक करते हैं, कोई वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, और वो ग्राफ को अगर एक टाइम पे कट करती है तो फंक्शन होता है, और मोर देन 1 पॉइंट
दो पॉइंट दो पे कट करती हो या दो से ज़्यादा पे कट करती हो तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें आप लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये भी आपके पास टू पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को। एक ही लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फंक्शन। कुछ फंक्शंस की टाइप होती है, फर्स्ट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड एक्स और वाई डोमेन एंड कोर डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, देन उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड कोर डोमेन, डोमेन इज एक्स एंड कोर डोमेन इक्वल टू वाई, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। सेकेंड आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल अगर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन या फिर एक्स माइनस वन, इस टाइप की जो एक्स के टर्म्स में आती है ये आपके पास पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, इसको हम जैसे किसी से भी डिनोट कर सकते हो, पी ऑफ एक्स ले लिया हमने, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? इस टाइप के हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ए रैशनल फंक्शन। अगर हम जनरल चलो रैशनल फंक्शन क्या होता है आपके पास, अगर दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या आपके पास? टू पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल कैसे लेके चलेंगे, जैसे एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री, दिस इज डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज ऑल्सो रैशनल फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होता है? इम्पोर्टेंट इन ओड एंड इवन। ओड फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है। ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स को हम ओड फंक्शन कहेंगे जब मैं x की जगह पे माइनस एक्स अप्लाई कर देती हूँ, तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स, एक्स सिक्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स, मुझे क्या करना है? ऑड फंक्शन चेक करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी x को माइनस एक्स से। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड करें तो राइट हैंड साइड भी करेंगे, दिस इज सिक्स ऑफ माइनस एक्स, इसको माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, दिस इज सिक्स एक्स, और सिक्स एक्स की क्या वैल्यू थी? एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स, यहाँ पर आप माइनस अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स की क्यूब प्लस फाइव ऑफ माइनस एक्स। बहुत साइड हमें माइनस अप्लाई करना है। माइनस की क्यूब क्या होता है? माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब, दिस इज माइनस फाइव एक्स, माइनस बहुत दोनों एलिमेंट्स से कॉमन निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स, अभी एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एन ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? A function f of x is said to be even if f of minus x apply करें और f of x आ जाए। ठीक है, example देखिए, f of x मैंने लिया x square, यहाँ पर मैं apply करती हूँ f of minus x, तो यहाँ पर भी apply करेंगे minus x का square, minus का square open करते हैं तो plus हो जाता है x square, और x square क्या था हमारा? फंक्शन, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला हमने, एफ ऑफ माइनस एक्स लिया और किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा इवन फंक्शन। ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे फंक्शंस की अलग अलग टाइप्स जो दे रखे आपके पास, अलग अलग फंक्शंस, इसको ट्राई कीजिए।